नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर। पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब दूसरे राज्यों पर भी है। सूत्रों ने बताया कि आप अब जम्मू और कश्मीर में भी विस्तार करने को लेकर कमर कस रही है। फिलहाल आपकी राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी दुर्गेश पाठक पार्टी के जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं। सूत्रों के मुताबिक कई पूर्व मंत्री, विधायक और जिला विकास परिषद के सदस्य आपके संपर्क में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को नई गोपनीयता नीति पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच का जवाब देने के लिए और समय दे दिया है। आपको बता दें कि फेसबुक द्वारा अपनी गोपनीयता नीति को बदलने के बाद ये एक विवादित मुद्दा बन गया था, जिससे व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा तक कंपनी की पहुंच हो गई और लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में आए सियासी भूचाल पर किताब लिखी जा सकती है। इमरान खान की कुर्सी की जड़ें हिल चुकी हैं। पाकिस्तानी संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। इमरान सरकार में गठबंधन के साथी छिटक रहे हैं, बागी हो रहे हैं, नंबरों की कमी है और इसलिए इमरान सरकार अल्पमत में आ चुकी है। MQMP ने समर्थन वापस ले लिया और विपक्ष से हाथ मिला लिया है। भले ही इमरान खान पर आफत सियासत के रास्ते आई हो, लेकिन समझा जाता रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति उसकी सेना की दखलंदाजी से आज़ाद नहीं है और इमरान खान के लिए मुसीबत के कांटे खुद पाकिस्तानी सेना नहीं हुए हैं। दिल्ली नगर निगम विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। ये विधेयक दिल्ली में तीन नगर निगमों के एक में विलय का प्रस्ताव करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि पारदर्शी और सहकारी तरीके से और पार्षदों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। गृह मंत्री ने दिल्ली राज्य सरकार पर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। पिछले दिनों कोविड-19 महामारी के कारण कई बड़े बजट वाली इंडियन फिल्मों को थिएटर रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान शाहिद कपूर की जर्सी से 6 लेकर यस स्टारर KGF चैप्टर 2 तक कई फिल्में महामारी का शिकार हुई और उन्होंने OTT मार्ग को चुनने के बजाय अपनी रिलीज को स्थगित करने का फैसला किया। ऐसे में जैसे ही अब अधिकारियों ने सिनेमाघरों पर लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटा दिया है, ये फिल्में अगले महीने बड़े पर्दे पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद दर्शकों को भी फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।